नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? और सुनाओ, सब घर पे ठीक ठाक हैं आपके? तो भाई, जो आज की वीडियो है आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली, क्योंकि कि काफ़ी दिन से हमारा जो इंतज़ार था वो हो गया ख़त्म। मैं सोच रहा था कि एक ब्लैक बोर्ड वो सुबह की वीडियो में बताया होगा आपको, अगर नहीं पता चला तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है? तो देखो, ये मेरे सामने कुछ एक ऐसा फ़ोन है, ये देखो, फ़ोन नहीं, एक इमेज है। इस इमेज में मैंने आपको देखो दिख रहा होगा ये सारी चीज़, अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तो भाई ये वीडियो उन भाइयों के लिए जो ये बोलते हैं कि हमारा ISP पिन आउट कनेक्ट नहीं होता और हम बहुत परेशान हो चुके हैं। मतलब बहुत से भाइयों की इतनी कॉल आती थी मेरे पास में ISP पिन आउट को लेके, और कॉल मैसेज वगैरह वगैरह कि भाई क्या करें, क्या ना करें, क्या ना करें। तो आज की जो वीडियो, जो बंदा इस वीडियो को देखेगा, ISP पिन आउट यूज करता या यूज करेगा आगे, या कभी भी वो अपना मतलब करना चाहता कुछ भी, तो उस टॉपिक पे ये आज की वीडियो, और 100% आपको पूरा रिस्पांस मिलेगा इस वीडियो में देखने के लिए। ये फ़ोन मैंने मतलब LCD फ़ोन से कनेक्ट कर रखी है, इस वजह से मैं इधर की साइड भाग रहा हूँ, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई देखो, ये है कि जो आज की जो वीडियो है, मैं ये है कि ये देखो, एक ISP पिन आउट कोई भी होता, ISP पिन आउट मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से होते हैं। ISP पिन आउट ये होते हैं आपके, ये तो है ZS वाला, ये आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर जैसा भी है, ये देखो फोकस हो गया, ठीक है? तो ये ZS वाला हुआ आपका, UMT वाला हुआ, या UFI वाला, लाइट वाला हुआ, या मेरिकल वाला हुआ, ये मेरिकल थंडर वाला, ये सारे जो ISP पिन आउट है मेरे पास में। और जिस भाई के पास में भी कोई भी ISP पिन आउट है, इस वीडियो को देख लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा कि आप किस तरीका से करते हो और किस तरीका से आपका फ़ोन कनेक्ट होता नहीं होता। बहुत से भाई ये बोलते हैं कि कॉम पोर्ट बन रहा या डिवाइस स्टोरेज नहीं होता। इस वीडियो को देखोगे तो रियलिटी में मैं बोलूँगा कि आपका फ़ोन एक ही बार में कनेक्ट हो जाएगा, पूरी सोल्यूशन हो जाएगा। अब मैं बार बार इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे में कुछ उत्साह सा जम रहा है इस LCD को लेके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा थोड़ा समझाने का तरीका वो चेंज हो जाएगा, बस और कोई नहीं है, ठीक। देखो, एक ISP पिन आउट में ये VCC होता और ये VCC Q होता, ठीक है? ये CMD होता, ये CLK होता, ये डाटा जीरो होता, ये ग्राउंड होता है, और ये एक्स्ट्रा 2 वर्जन 2, ये हर किसी में मिलेगा नहीं, ये ZS वाले में मिलेगा, और बाकी ये सब में ये आपको मिलेंगे। हमें इनका काम होता CLK, CMD, CLK, डाटा जीरो, ग्राउंड, ये जो चार ट्रैक हैं, ये चार ट्रैक मेन हैं, इन चारों ट्रैकों से ही हमारा काम होता है। अगर ये चार ट्रैक नहीं रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है? जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर ये देख रहे होंगे, इस जगह देखो, ये CMD, CLK, डाटा जीरो और ग्राउंड, ये सारी चीज़ होगी। अब जो हम VCC और VCC Q में जो यूज करते हैं, वो हमें USB डाटा केबल यूज करनी है फ़ोन के अंदर, समझो मेरी बात को, हमें फ़ोन के अंदर चार ट्रैक लगाने, CLK, CMD, डाटा जीरो, ग्राउंड, ठीक है? ये चार ट्रैक तो लगाने MMC को सपोर्ट मतलब कनेक्ट करने के लिए, ठीक है? और जो उसे सप्लाई देनी है, मतलब जो करंट देना VCC और VCC Q के थ्रू देना, वो हम USB केबल यूज करेंगे, ठीक है? तो हमें टांके CLK, CMD, डाटा जीरो, ग्राउंड और VCC और VCC Q, ये बात आपकी फाइनल हो चुकी। तो मतलब फ़ोन को इसी तरीका से कनेक्ट करना, ठीक है? ये हो गया। अगर कनेक्ट करने के बाद आप बोलते हो कि भाई हमारे PC के अंदर डिवाइस मैनेजर पे कॉम्पोर्ट नहीं बन रहा, या डिवाइस स्टोरेज, जनरल स्टोरेज शो नहीं कर रहा, तो ठीक है, उस पे अब हम पहुंचते हैं। कि स्क्रीन पे एक फ़ोन दिख रहा होगा ये आपको, ठीक है? ये CPH 1809। आपके पास कोई भी फ़ोन आए, ओप्पो रियलमी का कोई भी फ़ोन आए, सिंपल सा, और आप ये पूछना चाह रहे हो कि हम ISP पिन आउट से कौन कौन फ़ोन अनलॉक कर सकते हैं। भाई आप सारे फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन वो फ़ोन अनलॉक कर सकते हैं जिस फ़ोन के अंदर EMMC IC है, प्लस CLK, CMD, डाटा जीरो, ग्राउंड। अगर ये ट्रैक उसमें हैं तो आप कर सकते हो, अगर ये ट्रैक नहीं है तो आप नहीं कर सकते, ठीक है? अब जैसे मैं सपोज करता हूँ कि Redmi Note 5 Pro में EMMC IC लगी हुई है, लेकिन उसमें CLK, CMD, डाटा जीरो, ग्राउंड नहीं है,
कोई इमेज नहीं है गूगल पे, आप कितना भी सर्च करोगे कोई इमेज नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी। तो उस फ़ोन को अगर हैंग एंड लोगो हो जाता तो उसे क्या करते हैं कि जो उसकी MMC IC निकाल के डब्बी में लगानी पड़ती है। डब्बी में इस वजह से लगानी पड़ती है कि उसमें पिन आउट होते हैं, मतलब उसमें सप्लाई CLK CMD वगैरह वगैरह होते हैं, वो UFI या EGGTEC से कनेक्ट होके वो काम हो जाता। अगर आप Redmi Note 5 Pro की MMC IC को निकाल के छोटे छोटे जम्पर अगर इससे भी लगाओगे ना तो वो इससे भी कनेक्ट हो जाएगी। बस काम ये है कि उसके जो मदरबोर्ड पे ट्रैक नहीं दिए, ट्रैक देते तो आपको MMC IC निकालनी ना पड़ती, बस ठीक है। अब मान लो ये मेरे पास CPH होता ओप्पो और RMX होता Realme, इस चीज़ का भी ख्याल रखना, आपको पता भी होगा, अगर किसी भाई को नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूँ। और बहुत से भाई मेरे को ये पूछते हैं कि भाई कि हमारे पास एक ओप्पो का फ़ोन आया, अनलॉक हो जाएगा क्या, CPH ये है, मॉडल पता नहीं है। अरे भाई आप YouTube चलाते हो, Google खोलते हो, सारी चीज़ आपके पास नॉलेज है, सिंपल सा Google खोलो और उस पर टाइप करो कि CPH या RMX कितना कितना, तो उस पर लिस्ट आ जाती है, आपका ये मॉडल है, ये CPU, उसमें सारी चीज़ आ जाती निकल के। ये भी कभी मत किया करो ऐसे कि मेरे पास ये फ़ोन है और ये कैसे होगा या कैसे नहीं होगा, ठीक है। आप जो इमेज देख रहे हैं शायद साफ ना आ रही हो और हो सकता है कि आपको फटी फटी दिख रही हो, कोई बात नहीं, ये आपको समझदार को ना इशारा ही काफ़ी है, ठीक है। और जो मैं इशारा दे रहा हूँ वो इशारा आपके लिए है, बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई फेक वीडियो बनाता हूँ या कुछ भी, ठीक है, समझो मेरी बात को। मैंने इसमें CMD CLK डाटा जीरो ग्राउंड ये तीन ट्रैक तो दिए मैंने लगा। अब जो चौथा ग्राउंड है, जो चौथा ग्राउंड ट्रैक है, वो उसे मैं काट के मोटा वाला तार लगाऊंगा, मोटा वाला, जो मोटा हो, किसी भी यार USB डाटा केबल को काटो, उसमें से निकालो एक तार को और ग्राउंड में लगा दो। यहाँ मैंने फ़ोन में अटैच कर दी USB केबल, आपको दिख रहा होगा ये, यहाँ पे मैंने USB केबल कनेक्ट कर दी, यहाँ पे ये VCC और VCC Q के लिए मैंने कनेक्ट किया, ठीक है। अब ये हमारा फ़ोन मतलब प्रॉपर कनेक्ट हो चुका, मतलब एक तरीका से प्रॉपरली कनेक्ट हो गया, अब काम करेगा कि हमारा सिस्टम ने शो किया नहीं किया, उस चीज़ के ऊपर मैं लेके चलता हूँ आपको। आप माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके डिवाइस मैनेजर पे जब क्लिक करोगे तो आपको जनरल स्टोरेज डिवाइस पे USB पे क्लिक करना है, इस पर राइट डबल क्लिक करोगे तो प्रॉपर्टीज इसकी खुल के आ जाएगी, उससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा फ़ोन कनेक्ट हुआ या ना हुआ, ठीक है। मतलब फ़ोन के अंदर टांके लगाने हैं हमें, सबसे पहले टांके लगाने के बाद में सबसे पहले आप एक सबसे बड़ी चीज़ देख सकते हो कि कॉम पोर्ट बन रहा नहीं बन रहा। अगर कॉम पोर्ट नहीं बन रहा तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, कॉम पोर्ट बने ना बने कोई परेशानी नहीं है, वो एक तरीका से ये होता है कि हमें VCC VCC Q के लिए सप्लाई सेंड करनी होती है और वो जारी है, ठीक है। अगर पोर्ट बन जाता तो भी ठीक है, अगर पोर्ट नहीं बनता तो कोई बात नहीं है। तो आपको क्या करना है, डिवाइस मैनेजर जब आप ओपन करोगे तो जर्नल स्टोरेज USB डिवाइस पे जब आप डबल क्लिक करोगे तो वहाँ हमें प्रॉपर्टी चेक करनी है। प्रॉपर्टी चेक करने के बाद में ये देखना कि जो फ़ोन की स्टोरेज है वो निकल के आ जाएगी कितनी भी। जैसे अगर मान लो आपका किसी कोई फ़ोन 32 GB का तो समथिंग वो 29 या समथिंग के आसपास कुछ दिखाएगा, कोई 64 GB का तो हो सकता है कि वो 59 या कुछ दिखाए, अगर कोई हो सकता है कि 128 GB का फ़ोन है तो वो हो सकता है कि 119 या 120 स्टोरेज दिखाए, अगर 16 GB का तो वो समथिंग आपको हो सकता है कि 13-14 स्टोरेज दिखा देगा, हजारों में दिखा देगा, ठीक है। अब देखो मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अभी अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो तो ये देखो, इसमें देखो 29,820 है इसमें, तो 29,820 का मतलब है कि फ़ोन आपका 32 GB का, ठीक है, 32 GB का समझो कि यहाँ पे देखो, अगर आपको शो हो रहा हो अच्छे से मैं आपको दिखा दूँ, कोई नहीं, ये अभी थोड़ा लाइट का डिफरेंस आ रहा, लाइट का भी ये शो ख़त्म कर दूंगा मैं थोड़े दिन में, मतलब एक दो दिन में, टाइम नहीं मिला, वीडियो बनानी ज़रूरी थी, समझाना ज़रूरी था, ठीक है। तो मतलब मैंने आपको बताया अगर 32 GB का आपका फ़ोन है तो वो 29, 28 या इतना GB स्टोरेज दिखा सकता है, तो इसने भी इतना ही दिखाया, 29,820 स्टोरेज दिखाया, मतलब फ़ोन के अंदर 32 GB का MMC है, ठीक है। ये हमारा फ़ोन कनेक्ट हो गया। इसके बाद
इसके बाद खेल शुरू होता है टूल का। भाई टूल आप किसी भी टूल से कर सकते हो, टूल कोई सा भी, जैसे मेडिकल थंडर का भी हो सकता है या कोई क्रैक भी हो सकता है। जैसे क्रैक किसी भी MMC टूल का क्रैक चल सकता है। इसमें ये नहीं है कि भाई UMT का ही चलेगा या मेडिकल का चलेगा या GSM वालों का चलेगा या ZS वालों का चलेगा। इसमें टूल आप कोई भी यूज कर सकते हो, किसी से कोई मतलब नहीं है। बस अब इसके बाद में क्या करना होता है कि फोन को सिंपल सा वन क्लिक कमांड से वो फोन फॉर्मेट होना, मतलब फॉर्मेट यूजर डाटा फॉर्मेट होना। ठीक है, यहाँ फोन मेरा स्टोरेज पूरा दिखा गया और दिखाने के बाद में अब मैं आपको लेके चलता हूँ। MMC टूल ओपन किया, ओपन करने के बाद में यहाँ पे मेरे को सिर्फ एक ही क्लिक दबाना, एक क्लिक दबाना और उसी से फोन अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, फोन को स्कैन करूँगा। ये स्कैन जब आप इसे फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो ये देखो 29.12 GB दिखा दिया इसने। और यहाँ स्कैन करना, पहले स्कैन करना उसके बाद कनेक्ट होगा। एक मिनट, ये देखो, ठीक है यूजर फॉर्मेट डाटा पे ले जाना है और सिंपल सा वहाँ पे हमें क्लिक करके एक्सक्लूसिव कर देना, मतलब डन क्लिक वाला बटन दबा देना। अब जैसे मैं यहाँ पे दबाऊंगा, ये देखो सेव फॉर्म डाटा पे एक्सक्लूसिव करके और ये फोन ओके फॉर्मेट सेफ मोड डन। ठीक है, अगर आप देख रहे हो ये देखो, बस इतना सा ही काम होता है ISP पिनआउट से फोन को अनलॉक करना, इतना सा ही खेल होता है। सबसे बड़ा खेल होता है आपके हाथ में, जब तक आपके हाथ से पूरे टांके और BCC BCQ का सप्लाई वगैरह वगैरह ये नहीं सेंड होंगी, सब PC के अंदर नहीं ट्रांसफर होंगी, तो आप कितना भी मूंड पच्ची कर लेना, कितना भी UMT MMC टूल को ओपन कर लेना, क्लोज कर लेना या कुछ कर लेना, कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। और एक चीज़ और बता दूँ, Windows 7 में हार्डवेयर टूल बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा Windows 7 में, लेकिन Windows 10 में बहुत से भाइयों को परेशानी आ रही है। उसमें क्या होता है कि बहुत सारे पोर्ट बन जाते हैं, डिवाइस स्टोरेज भी बहुत दिखाने लग, मतलब अलग दिखाने लगता। तो हो सकता है किसी की Windows 10 में सही चल रहा हो, किसी की Windows 10 में अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो उनको सिंपल सा क्या करना, कोई दूसरे सिस्टम में जाना है, दूसरे सिस्टम में जाके सिंपल सा फ़ोन को कनेक्ट कर लेना और सिंपल सा वन क्लिक से फ़ोन को आप अनलॉक कर सकते हो। ठीक है, UMT ZS UFI या अगैरह वगैरह जो भी आपके पास टूल है, ZS वाला या कोई भी टूल है हार्डवेयर टूल, उसका काम इतना होता है कि वो फ़ोन को कंप्यूटर से कनेक्ट कराता बस, और नहीं करता कुछ भी। सारा काम होता है PC के ऊपर जब फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आपको जो जंपर लगाने, वो जंपर लगाने इतने बड़े बड़े जंपर लगा सकते हो। आप मेरी उंगली को देख रहे होंगे, यहाँ पर फोकस करूँ तो मैं, ये देखो इतने बड़े जंपर में भी कोई एरर आता है या कोई कहीं कोई परेशानी होती है तो आप इन्हें थोड़ा और छोटा कर सकते हो, बस इतना, मतलब आपका खेल इतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। सिंपल सा वन क्लिक में आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा, कहीं भी किसी को भी कितना भी फ़ोन कर लेना, कितना भी मतलब समझा लेना या कोई दूसरा सामने वाला आपको समझा देगा, नहीं होगा। अगर आपको अब भी समझ में नहीं आया तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपनी पुरानी वाली वीडियो को डाल रहा हूँ, एक बार जाके अच्छे से फ्री माइंड होके चेक करना और चेकआउट करके देखना, 101% हो जाएगा। मैं लिख के देता हूँ, लिख के, कि आप फ़ोन को अनलॉक कर सकते हो। अगर कोई भाई ये बोलता है कि मेरे से अब भी नहीं हो रहा ना, तो भाई इससे ज़्यादा मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको ये लगता है कि ना मैं कोई गलत बताऊँ, भाई पहली बात तो मैं कभी कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाता जो आपको गलत लगे, जो आपके नॉलेज के ऊपर प्रॉपर हो। ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने एक स्पेशल आपके लिए कि LCD परचेज किए बस, ठीक है, बस समझाने के, मेरे पास और कोई तरीका नहीं था समझाने का। ये तरीका मुझे अच्छा लगा, अगर ये तरीका आपको भी अच्छा लगा तो मेरे को ज़रूर बताना कमेंट करके, और वीडियो को भी लाइक करना। और जिस भाई ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो भाई करो चैनल को सब्सक्राइब, ऐसे ही बहुत सारी वीडियो मिलने वाली हैं आपको आने वाले टाइमों में, बहुत सारी है। और आप Oppo Realme का अनलॉक कर सकते हो। कल एक और वीडियो आएगी जिसमें हम Oppo Realme की सारी बातें करेंगे कि क्या है क्या नहीं है, कैसे है कैसे नहीं है, ओप्पो की सर्विस ऑन है कितने की हो रही है या ऑफ़ है, रियलमी वाले कितना चार्ज ले रहे हैं, शायद पूरी टॉपिक बना के कल आपको देंगे। अब हो सकता है कि कंटिन्यू आपको वीडियो मिले समझने के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।